सब लोग फैमिली चले साथ। और आज दशहरा, हैप्पी दशहरा सबको। आज रावण जलेगा और हमारे विद्याधर में पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा रावण 175 फीट का रावण हमारे यहाँ विद्याधर में बनता है। बाकी आज जाएंगे हम रावण देखने, लगभग 10-11 बजे के आसपास रावण जलता है। ये आ गया सुबह सुबह मेरे पास। आज हम रावण देखने जाएंगे तो आज आपको भी दिखा दो हमारे विद्याधर का रावण होता कैसा है। तो शाम को एवरेस्ट से जल्दी आएंगे और चलेगा क्या रावण देखने फिर। ये सबसे बड़ा रावण है, ये क्या रावण देखेगा, एक रावण दूसरे रावण को देखते हुए अच्छा लगेगा। आप बताओ कमेंट करके। ये हमारे घर का रावण है और ये दूसरे रावण को देखते हुए अच्छा नहीं लगेगा। बाकी अभी रवि आ रहा है, रवि को दिखा, बहुत दिनों, दो दिन बाद में रवि और शिवा मेरे से मिल रहे हैं। तो गाइस अभी आज मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है जो मेरे पापा के पसंद का अटायर है, शर्ट जींस और ये सब। तो अभी पहले चलते हैं नीचे और मेरी बहन को बोलते हैं कि भाई आज दशहरा में चलेगी क्या वो, क्योंकि मोस्टली वो ऐसी जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश रहती है ऐसी जगह जाने के लिए। भाई कीर्ति अभी अजमेर है तो वो इस वाले दशहरा में हमारे साथ नहीं रहेगी। बाकी चलते नीचे और फिर एवरेस्ट निकलते क्योंकि मेरे पास विनीता और इनका भी फोन आ गया है। हमारी मम्मी टिंडे छील रही है। रात को रोटी नहीं, क्यों नहीं खाया मैं रोटी आगे नीचे खाया था ना मैं। ये क्या करोगे आज टिंडे का? चटनी बनाओ। कौन सी चटनी बनाओगे? काजरा की चटनी बनाएगी मेरी मम्मी। ओ गंगू, दशहरे के मेले में चलेगी क्या तुम? नहीं यार, बहुत ज्यादा भीड़ है। भीड़ है तो क्या होगा, चलेगी क्या? मैं बेंग हाइट कम है, मर जाऊंगा। कम हाइट के लोग मर जाते हैं। मेरे को मरने का डर लगता है, मेरे को मरने का डर लगता है। मेरे पति विधवा हो जाए। पति शादी तो विधवा हो जावा हो लो। है मी? हाँ। शादी एक नहीं, पति पहली बना लियो। हाँ, पहली विधवा जा। और वो भी पति विधवा हुआ है। हाँ, वो भी पति विधवा होने लग गया। तो वो निकाल से अभी खाना ना करके फिर निकलते हैं अभी। तो भाई अभी नील भैया का शूट कर रहे हैं कंसोल पे, थोड़ा बहुत शूट तो हो गया है लगभग, अब थोड़ा बहुत और बाकी है, वो करके फिर एवरेस्ट निकलेंगे, वहाँ एडिट करना है मुझे। तो फाइनली गाइस अभी नील भैया का शूट खत्म करके हम लोग एवरेस्ट पहुँच गए। अब एवरेस्ट में थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा बिकॉज एवरेस्ट में आप लोग मेरे पे चिल्लाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं सुबह सुबह आ जाऊँगा एवरेस्ट, उसके बाद नील भैया के शूट पे जाऊँगा। लेकिन नील भैया का फोन आ गया था मेरे पास कि तू सुबह एक बार मेरा शूट कर जा, फिर बाद में दूसरा काम कर लेना। कुछ नहीं है भाई शुभम, ऐसा कुछ नहीं है। 15 रुपए की छाछ है। हाँ, 15 रुपए। सुबह तुमने कुछ नहीं खाया? नहीं है ना, छाछ पे ही काम चलाओगे। तुम्हारा व्रत हो गया। नहीं, हाँ, 11 मना रहे हो आप? 11 नहीं मना, रावण आज मरा था ना। रावण मरा था, रावण के लिए उपवास रख रहे थे। आज लेट हो गया मैं। रावण के दूसरे भाई, रावण का दूसरा भाई कैसे हो सकता हूँ मैं? रावण का पुजारी बोल सकता है तू मेरे को? पुजारी। आज रावण देखने जाएगा विद्याधर नगर? हाँ जाऊंगा ना भाई, हमारे विद्याधर नगर सबसे बड़ा रावण बनता है। सबसे बड़े रावण भी विद्याधर नगर में। तू भी रावण में काउंट होता है बेटा? नहीं, मैं तो जलाने जाऊंगा, मैं उसका साथ देने जाऊंगा। उपवास रख रहे हो उसके लिए? मेरे को जितने रावण मिले हैं सारे विद्याधर नगर के। नहीं, हम रावण नहीं है, हम लक्ष्मण के आसपास कहीं आते हैं। सही कह रहा हूँ, सही बात है। बहुत बड़े बड़े रावण मिले हैं, ऐसे रावण मिले की क्या कर रहे हो तुम आज से? व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, हमारा लोंडा व्लॉग स्टार्ट करेगा वही आज से। मेले में जाएगा तब से, रावण पे जलाऊंगा तीर से। रावण जलाएगा तीर व्लॉग से। लोग न्यू ईयर से स्टार्ट करते हैं, रावण के दिन से स्टार्ट करेगा। ताकि रावण का इस पे हाथ बना रहे, आशीर्वाद बना रहे कि सूरज भाई उसके लिए उपवास करते हैं, छाछ के काम चलाते हैं। वैसे तो मेरे भाई बंधु को चलाएगा। वैसे तो व्लॉग स्टार्ट करेगा तो रावण का आशीर्वाद लेके ही करेगा भाई। ओके बाय बाय, ओके डन ब्रो, कल मिलते हैं। का जितना भी काम था वो मैंने खत्म कर दिया और अब जाएंगे हम रावण देखने। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं और अभी सब लोग वेट कर रहे हैं। अभी मेरी बहन, मेरी मम्मी का फोन भी आया था कि कितनी देर में आ रहा है, फटाफट निकलते हैं गाइस। वैसे ऑलमोस्ट मैं लेट तो हो गया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ विद्याधर में शायद 8 के आसपास, 8 के पास तो नहीं, 10-11 बजे के आसपास रावण जलता है जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं फ्री होके। तो गाइस फटाफट चलते हैं घर और सबको उठाते हो, रावण देखने चलते। पहुंच चुके घर और ये मोटी हमारी रेडी हो गई। तो भी वाइट पे रहे,
तो गाइस अभी देखने जाएंगे हम रावण और रवि अमित को, रवि शिवा को भी फोन करते हैं, वो दोनों भी चल रहे हैं हमारे साथ में। आशीष के साथ जा रही है, ये तो अपने हस्बैंड के साथ जा रही है, तो कोई नहीं, ये आशीष के साथ जा रही है, मैं शिवा अमित के साथ जाऊंगा, कुछ नहीं, बहुत ही गंदी लग रही है। तो पता चौकी लागे भी ये है अम्मी गंगा मेर से पूछ रहे मैं कि लाग रही हूँ आशीष के साथ और मैं शिवा और अमित, अब सॉरी अमित का नाम आ रहा है यार, अमित मैं रवि और शिवा जाएंगे साथ में अभी रावण देखने। तो गाइस अभी चलते हैं फटाफट, उन दोनों को कॉल करता हूँ, उनको बुलाता हूँ, फिर हम देखने जाते हैं रावण विद्यानगर में। शिवा भी आ गया है, शिवा हमारी फुल्लन देवी घर पे पूछने जा रही है। ये भाई नितिन हमारा छोटा भाई, ये दोनों के दोनों आ गए, ये बंटी भी आ गया हमारा भाई, हम जा रहे हैं बस रावण देखने अभी थोड़ी देर में। चल फटाफट बैठ, चले फटाफट, फुल्लन देवी पूछने गई है भाई हमारी। तो भाई अभी फाइनली आ गए हैं यादव जी के हमारे साथ में, और कॉफी लेकर चलेंगे रावण देखने। देखो रावण को देखने जो भीड़ आई उसको देखो आप, तो गाइस ये भाई रावण छोड़ता है तवा लेते हैं, ये देखो गाइस भीड़, रावण देखने आई पब्लिक, भाई बहुत ज्यादा पब्लिक है यहाँ पे, यहाँ झूले लगे हुए बहुत बड़े बड़े, अब पब्लिक देखो कैसी फैली हुई भाई, पब्लिक देखो भाई, हमारा भाई अंदर जाना चाहता है, अंदर देख के आएंगे क्या चलना। गाइस रावण को देखने आई हुई भीड़ बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, और अभी झूलों पे भी बहुत ज्यादा भीड़ है, ये देखो गाइस, ओ तो भाई ये आइए रावण को देखने भीड़, और ये देख लो स्टेज से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ विद्यानगर का व्यू, जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है, और अभी रावण का जो दहन है वो हो रहा है, आप दूर से देख सकते हो, तीन तीन रावणियां बनते हैं, 105 फीट का बना है इस बार, पिछली बार ज्यादा फीट का बना था, इस बार 105 का बना, और ये देखो रावण दहन हो गए, स्टेज से मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ गाइज, देख लो पब्लिक देख लो विद्यानगर की, रावण हमारा जल चुका गाइज, तो नहीं हुए रावण को जलते हुए देख लिया, बाकी इस लौंडे ने पहले नहीं बताया। देखो आज दूसरा रावण दिखाते हैं हम आपको, ये रावण इधर घूम रहे काले रावण। अभी हम झूला झूलने जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है इसलिए आपको वॉइस आएगी नहीं, आप झूला देखो एक बार। तो भाई ये है पूरा 5 मंजिल का झूला जहाँ पे हम झूलने जा रहे हैं अभी, और ये है मेरे साथ अभी रवि, राहुल, शिवा और ये शिवा। तो भाई अभी जाएंगे झूला झूलने, आपको दिखाता हूँ कैसा होता है, क्या मजा आता है। तो गाइस अभी झूले के नीचे आ गए टिकट लेने, और झूले की साइज नीचे से देखो एक बार, भाई मेरी तो पहले फट रही है। भाई देखो क्या हो रहा है भाई, मैं गया, और ये वाला झूला देखो ये कितना बड़ा है, ये ऊपर जाता है, ऊपर बहुत ऊपर जाएगा ये। गाइस इन लोगों का इस झूले में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा गाइस, भाई लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, देख सकते हो आप, देखो भीड़ देखो, क्राउड दिखाते हैं आपको, ये झूले में झूलने के लिए कितने सारे लोग खड़े हैं भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है अभी तो भाई गाइस अभी देखो रावण की लाश दिखाता हूँ आपको, हम थोड़ा लेट हो, ये जो देख रहे हो ना आप, ये रावण की लाश है जो मेरे पीछे पड़ी है, हमारा रावण, यहाँ फायर ब्रिगेड आई है रावण को बुझाने के लिए, और भीड़ देख सकते हो गाइस आप, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है लोगों से। तो गाइस अभी सारे झूलों पे जा चुके हैं लेकिन कोई भी झूला खाली नहीं है अभी, अब लास्ट एक ट्रेन वाले झूले पे जा रहे हैं, और काफी सारे झूले तो बंद ही हो गए भाई, लास्ट देखते हैं भीड़ कहाँ कम है वहीं झूला झूलेंगे भाई, भाई क्राउड इतना सारा, और क्राउड देख लो आप एक बार। तो भाई जब हम झूलों के पास तो जाके आ गए लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि हमें टिकट से नहीं मिल रही है, तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट पे कुछ खाने पीने, तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी जा रहे हैं विद्यानगर कुछ खाने, क्योंकि लास्ट ऐसा दे तो बना रहे हैं, भैया को पूछ रहे हैं पागल हो जाएंगे, भैया को बोल रहे हैं हम कि भैया भैया असली भाई मेरी जिंदगी में ये है असली असली लोग। अभी हमारे टैटू बनवाने, अरे नहीं बनवाना, मैं मेरे को बनवाना है, जल महल पे बुला रहे भैया।